हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज हम वाकड़ लोकेशन से लेके आए हैं एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट जहां पे एक्सक्लूसिव 3 BHK फ्लैट्स ही रहने वाले हैं। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो वाकड़ लोकेशन पे एक डिसेंट लेआउट का 3 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर 3 BHK फ्लैट्स इन एंटायर वाकड़ लोकेशन फॉर सेल्फ यूज़। यहाँ पे सिर्फ 160 यूनिट्स ऑफ 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है विच आर फास्ट सेलिंग। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए ज़रूर आइए। प्रोजेक्ट में टोटल 3 कारपेट एरियाज़ के 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, 1011 स्क्वायर फीट, 1024 स्क्वायर फीट एंड 1067 स्क्वायर फीट कारपेट एरियाज़ के 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। चलिए क्विकली 3 BHK का सैम्पल फ्लैट टूर करते हैं, उसके बाद बाकी के प्रोजेक्ट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए 3 BHK सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। इसका कारपेट एरिया है 1024 स्क्वायर फीट का। आप जैसे फ्लैट के पास आते हो आपको हिकविजन का एक वीडियो डोर फोन मिल जाता है, साथ ही हर एक फ्लैट के साथ आपको डिजिटल लॉक का एक्सेस भी मिल जाएगा जिसे आप कार्ड से, डिजिटल पिन से, फिंगरप्रिंट से या फिर की से एक्सेस कर पाते हो। उस हिसाब से यहाँ पे डिजिटल लॉक्स दिए हुए। आइए, जैसे ही आप फ्लैट में एंटर करते हो आपको एक डिसेंट साइज़ की एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है जिसमें आप बड़े आराम से अपना शू रैक वगैरह रख सकते हो। उस हिसाब से एक एंट्रेंस लॉबी दी गई है एंड प्राइवेसी के हिसाब से भी ये एंट्रेंस लॉबी एक डिसेंटली यहाँ पर दी गई है। एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आप अंदर आते हो तो आपको काफ़ी मैसिव लिविंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो 21.6x12 साइज़ का मैसिव लिविंग डाइनिंग स्पेस यहां पे आपको प्रॉपरली दिया गया है इन पर्टिकुलर 3 BHK फ्लैट्स के साथ। अगर मैं अरेंजमेंट्स की बात करूं तो यहां पे आप बड़े आराम से एल शेप का अपना सोफ़ा का सेटअप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड इस तरफ आपको जो वॉल दी गई है इसमें आप अपना TV यूनिट का सेटअप बड़े आराम से इधर लगा सकते हो। सो TV यूनिट एंड सोफ़ा का सेटअप कुछ इस तरीके का आप अपने लिविंग एरिया में क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर मैं डाइनिंग की बात करूँ तो आपको डाइनिंग स्पेस अलग से यहाँ पे मिल जाता है। प्रॉपरली आप देख सकते हो 6 सीटर तो डाइनिंग स्पेस बड़े आराम से यहाँ पे रखा हुआ है। आप 8 सीटर का भी डाइनिंग स्पेस यहाँ पे आराम से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो भी दी गई है। यूजुअली कहीं भी हमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे से आपको एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो भी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपका वीडियो डोर फोन है जहाँ से आप देख पाओगे कि बाहर की तरफ कौन विजिटर आपके फ्लैट पे आए हुए हैं। सो कुछ इस तरीके का लिविंग डाइनिंग सेटअप। मैं फिर से एक बार साइजिंग मेंशन करना चाहूँगा, 21.6x12 साइज़ का मैसिव लिविंग डाइनिंग स्पेस है। और इस तरफ आपको एक अटैच्ड कवर्ड बालकनी मिल जाती है, लिविंग के साथ ही प्रॉपर मिलती है। आइए इसे भी क्विकली चेक करते हैं। ये प्रॉपर कवर्ड बालकनी ही यहाँ पे मिलेगी आपको। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 6.1x10 साइज़ का स्पेशियस अटैच्ड बालकनी लिविंग के साथ आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके का। रेलिंग का सेटअप विद टफन ग्लास आपको प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को भी चेक करते हैं। आ जाइए,
लिविंग डाइनिंग को लग के आपको इस तरफ किचन एरिया मिल जाता है। किचन की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 9.2x9 साइज़ का प्रॉपरली एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन दिया हुआ है। ड्राई बालकनी आपको अलग से मिलती है। इसकी साइजिंग अगर मैं बताऊँ तो 9x3.7 साइज़ की अलग से इनक्लोज्ड ड्राई बालकनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के लिए इनलेट आउटलेट आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपरली आपका डाइनिंग सॉरी क्या बोलते हैं इसको वॉशिंग मशीन का सेटअप प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बड़ी विंडो आपको मिल जाती है, वेंटिलेशन के हिसाब से प्रॉपर विंडो दी गई है। एंड अगर आपको एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल करना है तो उसका भी प्रोविजनिंग यहाँ पे पहले से ही किया हुआ है। दो प्रॉपर जो है आपको सिंक प्रोवाइडेड है, एक आपको यहाँ पे यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए बड़ी सी सिंक प्रोवाइडेड है ड्राई एरिया में, एंड किचन एरिया में आपको एक और सिंक प्रोवाइडेड है जहाँ पे आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपरली वॉश कर पाते हो। तो हाइजीन के हिसाब से दोनों ही सिंक आपको अलग अलग यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल करना है तो उस हिसाब से पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड चिमनी वगैरह इंस्टॉल करना है तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स पहले से ही मिल जाते हैं। एल शेप के प्लेटफॉर्म के साथ ये आपको किचन्स मिल जाते हैं। फर्स्ट 25 बुकिंग्स के लिए आपको जो किचन ट्रॉलीज का सेटअप दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये भी मिल जाएंगे। ओनली फॉर फर्स्ट 25 बुकिंग्स के लिए ही ये वैलिड है। अगर आप टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी देखोगे, प्लेटफॉर्म का जो मार्बल है एंड ये वाला टाइल्स का कॉम्बिनेशन देखोगे तो काफ़ी रिच फिनिशिंग आपको यहाँ पे किचन्स में मिल जाती है। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ओवन एंड मिक्सर ग्राइंडर इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। एंड अगर आपको बड़ा रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे लगाना है तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेस आपको किचन्स में मिल जाते हैं। सो आई होप आपको किचन यहाँ पे अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं, आ जाइए। हाँ जी, फर्स्ट बेडरूम को चेक करते हैं। हाँ जी, इस तरफ आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है, कॉमन बेडरूम आप कह लीजिए। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 11x10 साइज़ का आपको फर्स्ट बेडरूम 3BHK फ्लैट्स में मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली काफ़ी बड़ी सी विंडो मिल जाएगी, हाई राइज टावर है तो उसका व्यू एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे बड़े आराम से। साथ ही यहाँ पे एक सिट आउट लेज भी बनाया हुआ है ताकि आप यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू बड़े आराम से एंजॉय कर पाओ। उस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट्स की हुई है। तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके का अपना जो है कर्टन्स का सेटअप कर सकते हो ताकि बाहर का व्यू भी आप बड़े आराम से एंजॉय कर पाओ। ये जो सिटिंग लेज दिए हुए ये तीनों बेडरूम्स में दिए हुए, तीनों बेडरूम्स के तीनों विंडोज़ के साथ दिए हुए। इसका एक्चुअली कारपेट एरिया कैलकुलेटेड नहीं होता है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रॉपरली मिल जाती है। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को भी चेक करते हैं, आ जाइए। इस तरफ आपको फर्स्ट वॉशरूम मिल जाता है, कॉमन वॉशरूम जिसे कह लीजिए। कुछ इस तरीके का आपको कॉमन वॉशरूम का पूरा प्रॉपर सेटअप मिलेगा। काफ़ी रिच टाइल्स आपको यहाँ पे दी हुई है। सैनिटरी वेयर की अगर मैं बात करूँ तो हिंद वेयर की, इटालियन कलेक्शन की आपको सैनिटरी वेयर यहाँ पे मिल जाती है। एंड सीपी फिटिंग्स आपको जैगुआर के मिल जाते हैं। एंड कुछ रिच फिनिशिंग वाले आपको यहाँ पे विंडोज़ भी प्रॉपरली वॉशरूम में दिए हुए हैं। आइए, इस तरफ सेकेंड बेडरूम दिया हुआ है, इसको हम क्विकली चेक करते हैं। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। आपको क्रॉस वेंटिलेशन के साथ ये पर्टिकुलर बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी विंडो दिख जाएगी ताकि आप क्रॉस वेंटिलेशन अपने बेडरूम में फील कर पाओ। उस हिसाब से दो विंडोज़ प्रॉपरली दिए हुए हैं। यहाँ पे एक विंडो है एंड एक क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से वहाँ पे विंडो है। इसके साथ आपको एक सिटिंग लेज भी अगेन दिया हुआ है ताकि आप अपना व्यू एंजॉय कर पाओ। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है। 13x11 साइज़ का आपको ये पर्टिकुलर बेडरूम मिल जाता है। ये जो कारपेट एरिया वाला फ्लैट है ये 1024 स्क्वायर फीट का है। अगर आप इससे बड़े कारपेट एरिया वाला फ्लैट ऑप्ट करते हैं तो 1067 स्क्वायर फीट वाला जो फ्लैट है उसमें आपको इस तरफ एक अटैच्ड बालकनी मिल जाएगी, जिसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो 8x5 साइज़ की एक अटैच्ड बालकनी के साथ ये मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है उस वाले वेरियंट में। तो कुछ वार्डरोब वगैरह आप इस तरीके का लगा सकते हो। इस तरफ आपको अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है। आइए क्विकली अटैच्ड वॉशरूम को भी चेक करते हैं। आपको कुछ इस तरीके का बेसिन स्पेस, कमोड स्पेस और यहाँ पे बेडिंग स्पेस प्रॉपरली मिल जाएगा। ग्लास पार्टीशन के साथ ये सारे वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं। इस तरफ आपको एक और डेड स्टोरेज स्पेस अगर आपको कुछ करनी है तो उस हिसाब से एक डक्ट एरिया भी है जहाँ पर आप अपना कुछ डेड स्टोरेज आपका है तो वो आप रख सकते हो। वॉशरूम से आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। इसका कारपेट एरिया आपके
थ्री बी एच के कार्पेट एरिया में कैलकुलेटेड नहीं है, तो एक अलग से आपको डेड स्टोरेज स्पेस के लिए भी अच्छी सी स्पेस मिल जाती है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, 11x13 साइज़ का। चलिए नेक्स्ट बेडरूम को भी चेक करते हैं। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो आपको 11x12 साइज़ का मास्टर बेडरूम मिल जाता है। दिस इज़ दी थर्ड बेडरूम ऑफ दिस 3 BHK। अगेन यहाँ पे भी आपको एक सिटिंग लेज दिया गया है प्रॉपरली, एंड इस तरफ आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है, तो इस सिटिंग लेज पे आप आराम से बैठ के कॉफ़ी या अपनी टी एंजॉय करते हुए या फिर बुक्स रीड करते हुए एक बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। उस हिसाब से यहाँ पे पूरी सेटअप की गई है। इस तरफ जो है आप अपना वार्डरोब रख सकते हो कुछ इस तरीके से, ये वार्डरोब आप इस तरफ बना सकते हो। अच्छा सा स्पेस वार्डरोब रखने के लिए भी प्रॉपरली मिल जाता है इस लेआउट में, एंड इस तरफ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। आइए क्विकली अटैच्ड वॉशरूम को भी चेक करते हैं, आ जाइए। यहाँ पे कमोड स्पेस मिलता है, इस तरफ जो है आपको बेसिन स्पेस मिलता है विथ प्रॉपर लेज। क्विकली हमें इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छे से जो है प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है ताकि आप अपना जो वॉशरूम में सामान है वो आप बड़े आराम से यहाँ पे रख पाते हो, एंड यहाँ पे आपका बेसिन प्रॉपरली आ जाता है। एंड इस तरफ आपको बेदिंग स्पेस दिया गया है, अगेन ग्लास पार्टीशन के साथ सेपरेटेड बेदिंग स्पेस आपको मिल जाता है। इस तरफ भी आपको एक और डेड स्टोरेज स्पेस दिया गया है वॉशरूम से बाहर, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके के रिच फिट एंड फिनिश वाले आपको 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। क्विकली एक बार फिर से पूरा फ्लैट चेक करते हैं। ये जो मास्टर बेडरूम है ये 12x11 साइज़ का आपको मिलता है विथ अटैच्ड वॉशरूम। प्रॉपरली बेड स्पेस आप कर सकते हो यहाँ पे, वार्डरोब स्पेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीवी यूनिट सेटअप करने के लिए भी काफ़ी बड़ी सी स्पेस दी गई है। ये पूरा वॉल आप अपने टीवी यूनिट सेटअप करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। आइए नेक्स्ट, इस तरफ आपको जैसे हमने देखा 11x13 साइज़ का प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन के साथ मास्टर बेडरूम मिल जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। यहाँ पे भी आप टीवी यूनिट का सेटअप आराम से इस वॉल पे कर सकते हो, और इस तरफ वार्डरोब वगैरह भी आपको प्रॉपरली दिया है। आइए इस तरफ आपको मिलता है एक और बेडरूम, कॉमन बेडरूम जिसे कह लीजिए, 11x10 साइज़ का प्रॉपरली आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस तरफ जो है ये आपका डाइनिंग एरिया सेपरेटेड मिल जाता है, जिसके साथ आपको एक विंडो भी प्रॉपरली मिल जाती है। इस तरफ आपका किचन एरिया आ जाता है विथ एल शेप प्लेटफॉर्म, एंड इस तरफ आपका जो है लिविंग एरिया है। यहाँ पे आप आराम से सी शेप या एल शेप का आपका सोफ़ा सेटअप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके के मोस्ट लव्ड मोस्ट प्रेफर्ड लेआउट्स ऑफ 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये लेआउट। चलिए अब प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। टोटल 2 टावर का ये प्रोजेक्ट है, टावर ए एंड टावर बी। दोनों ही टावर जो है 22 स्टोरेज के रहने वाले हैं। ग्राउंड एंड पोडियम विल बी कवर्ड कार पार्किंग, एंड उसके ऊपर 20 रेजिडेंशियल फ्लोर्स का ये टावर रहने वाला है। हर एक फ्लोर पे आपको 4 कॉर्नर 3 BHK फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दी 3 BHK फ्लैट्स का जो व्यू है ये एम्प्टीज व्यू मिल जाता है आपको। इसकी अगर मैं पोजीशन की बात करूँ तो December 2024 में इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ 160 यूनिट्स ही यहाँ पे अवेलेबल है, विच आर वेरी फास्ट सेलिंग। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस प्रॉपर्टी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट जरूर करें, एंड साइट विजिट के लिए आप आ सकते हो। साथ ही हम जूम कॉल प्रेजेंटेशन के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हो इस प्रोजेक्ट का तो उसके लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमें स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं प्राइसिंग एंड साइजिंग की, तो साइजिंग मैंने जैसे आपको बताया 3 कार्पेट एरियाज़ के 3 BHK फ्लैट अवेलेबल है, 1011, 1024 एंड 1067 स्क्वायर फीट कार्पेट एरियाज़ के 3 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिनका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1,03,00,000 ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स इनका प्राइसिंग यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप इसी बजट में 3 BHK फ्लैट वाकट जैसी लोकेशन पे ढूंढ रहे हो 1,000+ कार्पेट वाला, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जल्दी से जल्दी ज़रूर कीजिए और इस प्रॉपर्टी को आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड करके रखे हुए हैं। आप अगर उन्हें चेक करना चाहते हैं तो आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें।